करीब हमने यहाँ पे 30 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया है और परिचय सम्मेलन में भी जोड़े हमारे बन सकते हैं। समाज को संगठित करने का बीड़ा लिया था और समाज के जो जितने भी कार्यक्रम हैं उनको व्यवस्थित करने का बीड़ा लिया था, उस पर ही हमारी समिति काम कर रही है। ऐतिहासिक सम्मेलन जो पहली बार हो रहा है जिसमें सारे स्वर्णकार समाज के सभी बंधु एक साथ भाग ले रहे हैं। चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवै नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ते, पूजामूलं गुरोर्पदं, मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरोर्कथा। नित्यशुद्धं निराभाषं निर्विकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् पादब्रह्म तस्मै श्री गुरवै नमः। नमस्कारं प्रार्थनां सोत्यामि तत्रादु विसंकल्पः हस्ते छत्मुनि। कल 12 जून को सर्व स्वर्णकार समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होगा और 12 बजे तक परिचय सम्मेलन होगा। उसके बाद पाणि ग्रहण संस्कार संपन्न होगा और शाम 4 बजे हमारे मुख्य अतिथि के आतिथ्य में आशीर्वाद समारोह रखा गया है। उसमें सभी समाज बंधु और ग्वालियर चंबल संभाग के वरिष्ठ समाज सेवी उस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। छोरी ने साथ लव का एंगल हो गया, अच्छा खासा सिंगल था क्यों मिंगल हो गया। मंच पर जो घोषणा करें कि आप जिस लड़की से शादी करेंगे क्या आप दहेज लेना पसंद करेंगे या बिना दहेज के शादी करेंगे? कुछ नहीं। कि आप इस मंच पर घोषणा कर रहे हैं कि मैं बिना दहेज के शादी करूंगा, तो ये आप सभी बाले जाकर इनका स्वागत करें। सर्व स्वर्णकार स्वर्णकार आदर्श सामूहिक विवाह एवं परिचय सम्मेलन ग्वालियर में जो आयोजित हो रहा है उस कार्यक्रम में हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति ने बढ़ चढ़ के अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है और हमने प्रत्येक वर वधू को उनका जीवन प्रारंभ करने के लिए
जो घर गृहस्थी में उनके परिवार में जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उन सारी चीज़ों को उपहार के रूप में उनको देने का प्रयास किया है। ऐसी तमाम सारी गिफ्टें लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये का जो उनकी घरेलू उपयोग का सामान है वो उनको उपहार स्वरूप हमारे सम्मेलन में समिति की ओर से, समाज की ओर से, समाज की विभिन्न विभिन्न जगह से आए हुए लोगों के द्वारा उनको दिया गया है। अरे कुछ नहीं दिया था। बुला रहा हूं मैं कमल सोनी जी को भी आए अवगत करें। भैया ना देखिए भैया सर जो हमारे इस परिचय हमारे हिंदू धर्म में होता है कि हम लोग कन्या पूजन करते हैं लोगों के डबरा शादी के लिए परिचय करवा रहा हूँ। आपसे बिल्कुल कल्पना भी मत करना कि मैं शादी में बच्चे छोटी है उनका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन अपना कार्यक्रम है, ये आपकी व्यवस्था है। हमारे बीच में सामने देखिए आप लोग सामने सामने सर आप भी लगा लीजिए। देखिए भैया भी चलो विश्वान वर्मा जी रिटायर सामने ले लो आप अपना काम कर लो पहले। हमारे बीच में मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री सामने देखिए आप भैया सामने सामने हमारे समाज का कोई गरीब व्यक्ति उसका बच्चा पढ़ने में यदि मेधावी है पढ़ना चाहता है आर्थिक अभाव के कारण नहीं पढ़ पा रहा हम उसे आर्थिक रूप से मदद करके आगे पढ़ाए। हमारे समाज के लोग भी आईएएस आईपीएस और डॉक्टर बने। समाज को आगे ले जाना चाहते हैं तो हमें सभी सुविधाओं को आगे बढ़ाना सांसद के रूप में हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ हमारे मुखिया और हमारे समाज का गौरव आदरणीय कैलाश सोनी जी को राज्यसभा से जो सांसद बनाया गया है ये किसी के लिए मामूली बात हो सकती है लेकिन हमारे समाज के लिए बहुत गौरव और गरिमा की बात है। हम सब साथियों के साथ उनका स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हैं। हमारे समाज के दूसरे गौरव समाज के उत्थान विकास और समाज की हर कार्य में सदैव मदद के लिए तत्पर रहने वाले हमारे युवा संघर्षशील नवनिर्वाचित विधायक जो अनूपपुर जिले की कोतमा तहसील से आते हैं ऐसे हमारे विधायक भाई सुनील सराफ जी हमारे समाज के लिए हर समय तैयार रहने का उन्होंने वादा किया है और इस वादे को मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि वो इस वादे को पूरा करने के लिए हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर समाज के उत्थान में अपना योगदान देंगे। आज डॉक्टर हरे समाज के लिए इस तरह के कार्यों की जरूरत है तो प्रणकर समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दीदी सा से आई सोनी जी सामने एसएटीआई कॉलेज के प्रिंसिपल की वाइफ है वो अपने समाज कैमरे पे मैम रहता हूँ उसे भी निवेदन करूंगा। अभी क्या मैम सामने मैम थोड़ा गले मिलिए गले मिलिए मैम जोरदार ताली बजाएं। मैं समाज का स्वागत करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जिनकी आज विवाह है उनका जीवन सुखमय हो प्रगति करें
सजेशन किया था।